वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। और हमारा आज का टॉपिक है एल्गी की थर्ड क्लास यानी कि रोडोफाइजी। रोडोफाइजी यानी कि रेड एल्गी। अब रेड से समझ रहे हैं, रेड यानी कि हॉट। तो जो रेड एल्गी है वो मैरीन वाटर में मिलती है और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती है। और मैरीन एल्गी यानी कि मैरीन वाटर कौन सा, जहाँ पर थोड़ा सा वार्म वाटर है, थोड़ा सा गर्म पानी है। ठीक है, क्लोरोफिल को देखें, क्लोरोफिल ए और डी। मैं लास्ट जो वीडियो था उसमें आपको बता चुकी हूँ कि क्लोरोफिल का अगर हमें लर्न करना है तीनों क्लासेस में तो हम कैसे करेंगे। क्लोरोफिल ए और डी इसमें प्रेजेंट होता है और एक इसमें प्रेजेंट होता है आर फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रिन यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड कलर और रेड पिगमेंट होता है ये। ठीक है, इसके अलावा सरफेस वाटर जो होता है उसके क्लोज ये प्रेजेंट होती हैं, मतलब बिल्कुल नीचे होती हैं, ओशियन की डेप्थ में प्रेजेंट होती हैं, गहराई में प्रेजेंट होती हैं। मल्टी सेलुलर थैलस इसमें होता है जो इसका स्टोर फूड है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। फ्लोरिडियन स्टार्च यानी कि जो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है स्टोर्ड फूड ऑफ ह्यूमन वाला जो हम लोगों में जो स्टोर्ड फूड होता है उसी के सिमिलर इसमें स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन भाई सब में सेम है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स। देखो अभी तक हमने एल्गी क्लासेस हमने पढ़ी है ना, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी दोनों में मोटाइल स्पोर्स था, यानी कि दोनों में फ्लैजेला, क्लोरोफाइसी का ऐसे और फियोफाइसी का ऐसे। अब इसमें बताया ना रूडोफाइसी रेड है यानी कि हॉट रहता है, गर्म रहता है, गुस्से वाला होता है, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स इसमें होता है, मतलब कि मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल ही होंगे इसके स्पोर्स गैमेट्स और टू गैमेट्स टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर इसके याद करते हैं तो याद करो पीपीजीजी से इसके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। पीपीजीजी यानी कि पॉलीसाइफोनिया, फर्स्ट पी हो गया, सेकेंड पी पॉलीफाइरा। ठीक है, फर्स्ट जी ग्रैसिलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है रीड की प्रिपरेशन के हिसाब से। और सेकेंड है जेलीडियम। ठीक है, जेलीडियम क्या है? जेलीडियम से याद आया अगार मिलता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये थी रोडोफाइसी रेड एल्गी। एल्गी की तीनों क्लासेस हमने डन कर दी हैं, एल्गी डन कर दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।